नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज हम बात करेंगे, मेरा एक बहुत प्राचीन मंत्र जो मेरे गुरु ने मुझे दिया था, वो मंत्र मैंने YouTube पर बताया था इससे पहले भी, लेकिन लोगों ने उस मंत्र पर ध्यान नहीं दिया। जो मंत्र वाकई में चमत्कार, महाशक्तिशाली रक्षा कवच, हनुमान जी का मंत्र है, वो उससे पावरफुल मंत्र कोई नहीं हो सकता। आज मैं कई साल से उस मंत्र का इस्तेमाल कर रहा हूँ और उससे लोगों की बंदिश रक्षा कवच, और वो मंत्र एक रक्षा मंत्र की तरह काम करता है और इतना पावरफुल है कि मुझे उसके बारे में आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आप खोज नहीं करोगे, आपको यकीन नहीं होगा कि वो मंत्र इतना शक्तिशाली कैसे है। मैंने अपनी दुआएं बताई, श्री ओम नमो आकाश बांधो पाताल बांधो, फिर श्री ओम नमो आकाश काटो पाताल काटो, फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ला इल्लाह की कोटरे, फिर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम आयतल कुर्सी आजारी, और जो पांचवी सबसे पावरफुल मंत्र जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ वो है श्री ओम नमो जल बांधो जंजाल बांधो, बांधो जल की काई, अग्नि माता तुझको बांधो हनुमान तेरी दुहाई। जी हाँ, इस मंत्र में बहुत ज़बरदस्त शक्ति है। स्वयं साक्षात हनुमान आपकी रक्षा कवच मदद करने के लिए आपके पास आ जाते हैं। जी हाँ, बहुत शक्तिशाली बजरंगबली देव हैं जो आपकी रक्षा और हिफाजत करते हैं। मेरे गुरु ने कहा था कि ये कोई धर्म से मतलब मत रखो, विद्या में सर्वधर्म समभाव, सभी धर्म एक जैसे हैं, सभी एक ही है, मानने के तरीके अलग अलग हैं। भगवान एक है, खुदा एक है, उसी तरह से सभी देवी देवताओं पर आपको विश्वास और श्रद्धा रखनी चाहिए, और उसी तरह से पीर पैगंबर वली वलियों के ऊपर आपको नज़रे करम रखनी चाहिए। ये सब चीज़ें बहुत ज़बरदस्त काम करती है। जी हाँ, हम इनका इस्तेमाल करते हैं, इनको बुलाते हैं, इनको आन देते, दुहाई देते, कसम देते, ये लोग आते हैं और आपकी रक्षा करते हैं और आपकी हिफाजत करते हैं और आपका दिया हुआ काम करके चले जाते हैं। तो ये मंत्र जो था, ये मेरे गुरु का मंत्र है, उनको उनके गुरु ने दिया था, मेरे गुरु ने मरने से पहले मुझे दिया था। मैंने उनसे पूछा भी था कि आगे चल के मैं क्या इस मंत्र को लोगों को दे सकता हूँ, तो उन्होंने कहा था हाँ, तुम इसे बेशक लोगों को दे सकते हो। ये मंत्र वाकई में चमत्कार, लेकिन केवल 128 बार पढ़ने से ही ये जाग जाता है। आप उसको 128 बार पढ़ने के लिए आप कहीं साफ सुथरी पाक सुथरी जगह पर बैठे, मंदिर में, आसन पर, जहाँ आपको अच्छा लगे, किसी भी धर्म का व्यक्ति इस मंत्र को कर सकता है। मैंने कहा था ना, विद्या का कोई धर्म नहीं होता, इसलिए बैठ करके आप उसको अच्छे से पढ़ें, 128 बार चने के दाने के ऊपर पढ़ें, माला पे पढ़ें, काउंटर मशीन पर पढ़ें, जो माला आपके पास हो वो माला पर पढ़ें, उंगलियों पर पढ़ें, जैसा आपको पढ़ना, लेकिन जब भी पढ़ें 6 और 7 बजे के बीच में पढ़ें, पश्चिम दिशा की मुँह तरफ करके पढ़ें, कोई भी नहा धो के पाक साफ कपड़ा पहन के पढ़ें, और उसके बाद आप उस 128 बार पढ़ने के बाद आप उसके नाम से जो भी आपको जो भी प्रसाद बांटना हो, जो भी प्रसाद आपको बांटना हो बांट दे, या जो भी आपको नज़र न्याज करने हो कर दे, आप जैसा भी आपको अच्छा लगे, 128 बार पढ़ने के बाद वो मंत्र आपके अधीन हो जाता है, यानी आपके वश में आ जाता है, फिर वो मंत्र आप जैसा चलाओगे वैसा काम करेगा। उस मंत्र से आप खुद का भी भला कर सकते हो और सामने वाले का भी भला कर सकते हो। तो मैं जो बता रहा हूँ इसको पहले करो, आपको इसका चमत्कार देखने को मिलेगा। आप करो, बहुत पावरफुल मंत्र है, बहुत पावरफुल मंत्र है। मैंने जिसको भी दिया आज तक, उसने यही कहा कि बाबा बहुत ज़बरदस्त और चमत्कारी मंत्र है, आप दूसरों को भी दे सकते हैं। अब इससे क्या क्या काम धंधा, रोजी रोटी, बरकत, बीमारी, परेशानी, मुसीबतें, आपके ऊपर किसी ने कुछ लगा दिया है, कुछ किया कराया हो गया, कोई जादू टोना कर दिया आपके परिवार के ऊपर, आपकी दुकान के ऊपर, आपके मकान के ऊपर, आपके खेत पे, खलिहान पे, बच्चों पे, पढ़ाई पे, काम धंधे पे, आपके पैसों के ऊपर, नज़र भला, हाय टोक, जादू, कुछ भी हो, एक मंत्र सबका तोड़ करता है। आप चाहो तो इसकी तावीज़ बनाकर भी आप इसको पहन सकते हो, जाफरान से लिख के या ऑरेंज कलर के स्केच पेन से लिख के पहन सकते हो, धागे पे पढ़कर आप बांधो, 21 गांठ मारो, 21 फूंक मारो, तो भी आप उसको पहन लो तो भी काम करेगा। उस मंत्र के बारे में मैं आपको क्या बताऊँ, एक आप एक कपड़ा ले लो, एक लाल रंग का कपड़ा ले लो, उसके अंदर एक नारियल, एक नींबू और एक तांबे का पैसा रख के उसको गांठ मार दो, अच्छे से उसको बना लो, बनाने के बाद आप उसको पकड़ो, उसके ऊपर श्री ओम नमो जल बांधू जंजाल बांधू, बांधू जल की काई, अग्नि माता तुझको बांधू हनुमान तेरी दुहाई, इसके ऊपर आपको 21 बार पढ़ के इसके ऊपर फूंक मारनी है और बोलना है कि हे हनुमान, हे बजरंगबली, आप आए हमारी रक्षा करें, हमारे घर की रक्षा करें, या मैं जिसको ये नारियल बना के दे रहा हूँ उसके घर की रक्षा करें, आपका आशीर्वाद सदैव इस घर पर बनाए रखे। तो वाकई में साक्षात महाबली हनुमान उस घर की रक्षा करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, उसकी बंदिश करते हैं, उसको ये रक्षा मंत्र है, रक्षा कवच है, आप उसको किसी भी चीज़ पे पढ़ के देंगे उसको फ़ायदा होगा, आप नींबू पे पढ़ के देंगे फ़ायदा होगा, नारियल पे पढ़ के देंगे फ़ायदा होगा, आप चाहे किसी भी चीज़ पर पढ़ के देंगे उसको बहुत फ़ायदा होगा। मंत्र
महाशक्तिशाली मंत्र है। अब आप अपने भी दिमाग से इस मंत्र का कैसे इस्तेमाल करना है वो आप लोग भी तो सोचो। पानी पर पढ़ के दो, धागे पे पढ़ के दो, ताबीज पे पढ़ के दो, आपको जो चीज़ मिले, नींबू, नारियल, आपको जैसा बंदिश करके रक्षा को कपड़े में पोटली बना के, नारियल की, नींबू की, आपको जो कुछ भी देना हो आप दे सकते हो। 21 बार पढ़ना, लेकिन उससे पहले 128 बार इसको ज़रूर पढ़ ले। चाहे कोई साधक ये कर रहा हो, चाहे कोई खुद के लिए भी कर रहा हो, तो भी उसको 128 बार पढ़ के इसको पहले सिद्ध करना पड़ता है। उसके बाद आप इस मंत्र का कभी भी प्रयोग कर सकते हैं। घर में किसी को भी, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक का, नज़र हो, बला हो, टोक हो, एवरीथिंग, मतलब मैं क्या कहूँ, कुछ भी काम के लिए आप इसका इस्तेमाल करो तो ये मंत्र चमत्कार से भी ज़्यादा काम करता है। मेरे और वीडियो होंगे शायद, उसमें ढूंढ लो, जल बांधो जिंदाल बांधो, बांधो जल की काई वाला, तो उसके अंदर भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। उसको भी आप जमा करें, वीडियो को बार बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, किस काम के लिए कह रहा हूँ। इस मंत्र में किसी गुरु की, किसी की आवश्यकता नहीं। आप अपने इष्ट को, अपने भगवान को मान सकते हो। अगर आपके पास कोई गुरु नहीं है तो आप मेरे गुरु परम पूज्य गुरुदेव श्री मोती सिंह राठौर जी महाराज स्वर्गीय, उनको भी आप अपना गुरु मान के, उनकी तस्वीर लगा करके भी आप उनकी पूजा करके भी आप कर सकते हो, या उनको हाथ जोड़ करके भी आप कर सकते हो। वाकई में चमत्कारी मंत्र है, बहुत शक्तिशाली। इसके उपाय, इसके टोटके आप करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर भी, आप मोर के पंख से भी झाड़ोगे तो भी निकल जाएगा। आप छोटे बच्चे से नींबू उठा के काटोगे तो भी हो जाएगा। आप छोटे बच्चे से फिटकरी उतार के फेंकोगे तो भी हो जाएगा। मतलब आप जितना सोच सकते हो, जो चीज़ें आपके दिमाग में आती है ना, उतारे करने की, निकालने की, बंदिश करने की, उन सब के ऊपर भी अगर आप इसको पढ़ाई करके, अगर तांबे के केले पर भी पढ़ के किसी घर पर ठोक दोगे तो भी हनुमान जी रक्षा करेंगे। तो मेरे गुरु ने मुझे सभी धर्मों के बारे में ज्ञान दिया, और मेरे गुरु बहुत वाकई में पावरफुल इंसान थे, और उनसे बड़ा कोई नहीं था, और वाकई में भगवान का दूसरा रूप था। आज मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ, उनकी बहुत याद आ रही है, लेकिन हमेशा उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और जब भी उनके नाम से कोई मंत्र पढ़ता है तो उनका आशीर्वाद उसको भी मिलता है। मुझे गुरु बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग उनको ही अपना गुरु मानो, उनके रास्ते पर चलो। बहुत सारे ऐसे और भी अमलियात में आपके सामने लाता रहूँगा। अगर आप लोगों को मेरा ये मंत्र, मेरा ये प्रयोग अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ऐसे रहस्यमय अमलियात, टोने टोटके, साधनाएं, वजीफे, विधि विधान, चमत्कारी प्रयोग मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। मेरी किताब जीवन यात्रा एक रहस्यमय खोज भाग 2 को खरीदना ना भूलें। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।